सभी दोस्तों को नमस्कार आदाब। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म विशाख माह की पूर्णिमा को हुआ था, इस महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी तरफ बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मई 1974 को भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनाना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया, बेहताशा गालियां देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वे लोग थक गए तो बुद्ध बोले, आपकी बातें पूरी हो गई हूं तो मैं जाऊं? वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियां दी, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? बुद्ध बोले, तुमने बहुत देर कर दी। अगर 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियां देता। तुम बेशक मुझे गालियां दो, लेकिन मैं अब गालियां लेने में असमर्थ हूं। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी तो कोई चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहां के लोग भेंट करने मिठाइयां लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। वह उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुककर कहा, जो लोग मिठाइयां लाए थे उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा? एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांटी होंगी। बुद्ध बोले, तुम जो गालियां लाए हो उन्हें मैंने नहीं लिया, क्या तुम उन्हें भी अपने परिवार और अपने चाहने वालों में बांटोगे? बुद्ध के सारे विरोधी शर्मिंदा हुए और वो बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मेरी भगवान बुद्ध से प्रार्थना है कि बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षा हमेशा हमें प्रेरित करती रहे। जय हिंद।